गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे, खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। स्वागत करता हूं एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज आपको मैं ले जाऊंगा एक ऐसे गांव जो पिछले 3-4 सालों से आपदाओं से घिरा हुआ है, और उस गांव का आप लोगों को स्थिति से अवगत कराऊंगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जो भी बंधु मेरे चैनल में नए हैं और नए आ रहे हैं, उनसे निवेदन है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आज आपको लेके जा रहा हूँ मैं पटन बेली के एक बहुत ही खूबसूरत गांव जसरत, जो पिछले 3 सालों से आपदाओं से घिरा हुआ है। कभी क्या हो रहा है तो कभी क्या हो रहा है, और इस साल तो बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ा उनको भी। कई खेत दब गए हैं, ब्रिज का नुकसान हुआ है, और एक झूला था, एकमात्र सहारा रह गया था झूला, जो पास के कस्बे और बाज़ार जालमा में आने के लिए एकमात्र रास्ता था पैदल का, वो भी गिर चुका है। तब उस गांव में जाने के लिए हमें जो वो जहाँ से हमें 10 मिनट का रास्ता लगता था, अब हमें 8-9 किलोमीटर का रास्ता जो वो गाड़ी से सफ़र करना पड़ता है। तो आज मैं आप लोगों को उस गांव के हालात से अवगत कराऊंगा। ये जगह है जहाँ से दशरथ के लिए रोड डाइवर्ट होगा। जब ये यहाँ पर इनको एक आपदा आया था, तो उसके बाद इनको एक वैकल्पिक सड़क निकाला जो काफ़ी काम आ रहा है इनका। थोड़ा दूर तो है, लेकिन ऐसा है कि ये लोग भी अभी सड़क से जुड़े हैं। इस वक्त मैं हूँ जी ठीक नाडा पुल में, और यहीं से दशरथ के लिए रोड डाइवर्ट होता है। जब 2021 में आगे जो लैंडस्लाइड हुआ था, उसके बाद यहाँ से इनके लिए एक वैकल्पिक मार्ग निकाला था सरकार ने, जो तुरंत एक हफ्ते में दशरथ गांव में पहुँचाया था। तो आज वही रोड जो है वो इनके लिए लाइफ लाइन बना हुआ है। ये है जी दशरथ रोड। रास्ता तंग और कच्चा ज़रूर है, लेकिन दशरथ वालों के लिए ये रोड एक वरदान सा साबित हो रहा है, जो अपना सारा फसल वगैरह इसी रोड से निकाल रहे हैं पिछले 2 सालों से। और यही वो जगह है जहाँ से लैंडस्लाइड होके यहाँ दरिया ब्लॉक हुआ था, और दशरथ वालों के लिए ये जगह एक काल सा बन गया। और उसके बाद तो लगातार आपदा की स्थिति बनी है दशरथ गांव के लिए। ये है जी, ये पूरा लैंड जो वो बहुत ज़्यादा पोर्शन, बहुत बड़ा पोर्शन जो वो स्लाइड होके आया था, और यहाँ पर दरिया जो वो ब्लॉक हो गया था। और ये देख सकते हैं पानी बड़ा होने के कारण पड़े वो शमशान घाट भी दरिया में ही डूबा हुआ है। ये देख सकते हैं यहीं से ज़मीनों का कटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक ही साइड नहीं, दरिया के दोनों किनारों में कटिंग हो चुका है। पर ये भी देख सकते हैं अब ताड़ंग गांव का काफ़ी सारा रोड कट चुका है, और इधर भी, तो इधर तो अभी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा कटा हुआ है, और आप आगे जाएंगे तो आगे तो बहुत सारा पोर्शन कटा हुआ है। ये इस वक्त मैं पहुंचने वाला हूं जसरत गांव गांव के बीच में। इस वक्त मैं पहुंचा हूं जसरत के सबसे आगे वाले छोर में, जसरत गांव से आगे, जहां पर सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रहा है, और जहां से आगे हालिंग का भी पूरा व्यू दिखता है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को आगे का। ये सामने जो गांव दिख रहा है ये आलिंग है, और उसके नीचे का देख सकते हैं आप कितना सारा भूमि कटा हुआ है। अभी यहाँ पर लोग जो वो मटर को तोड़ रहे हैं, और आप देख सकते हैं दरिया, दरिया देख सकते हैं बिल्कुल, दरिया खेतों के पास से ही आ रहा है, खेतों के पास से क्या, खेतों से ही होके गुजर रहा है। ये देखिए पूरा, देखिए मेरा पैर भी धस रहा है, और इस जगह से आगे तो काफ़ी नुकसान भी हुआ है। ये देख सकते हैं आप मेरा पैर कितना धस रहा है।
ये देख सकते हैं पूरा दरिया दरिया यहीं से आ गया। काफ़ी सारा खेत देखिए, ये जो जहाँ पर मटर तोड़ान कर रहे हैं उस पोर्शन से लेकर ये पोर्शन पूरा खेत होता था पहले, पूरा खेत होता था जो काफ़ी सारा पोर्शन जो वो बहा के ले चुका है। चले यहाँ पर ग्रामीण है, मैं ज़रा उनसे बात करता हूँ। नमस्ते जी, यहीं के ना जी आप? यहाँ आपका काफ़ी सारा खेत बह गया ना जी, कितना कर भी गवा हो ना? हाँ जी, अच्छा चलो ठीक है। ये देख सकते हैं अभी भी यहाँ से खेत स्लाइड हो ही रहा है, कुछ एक पोर्शन तो उन्होंने मटर वगैरह यहाँ से निकाल दिए है। और यहाँ देख सकते हैं आप अभी आगे भी, ये देखिए खेत के मालिक और कुछ लेबर यहाँ पर मटन तोड़ान कर रहे हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। और जी भाई जी नमस्ते, नमस्ते जी। अच्छा बहुत मां से आए ना, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ ना जी? हाँ जी भाई जी नमस्कार, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। यहाँ पर जो आपका खेत है काफ़ी सारा खेत बह चुका है, कितना सारा ब्याह हुआ? कम से कम 40-50 बोरी मटर खत्म हो गया जी। अच्छा, इस साल का फसल में? जी जी जी। और कितना कर बीघा आपका भाव होगा यहाँ पर? ये कोई आपका 10-15 बीघा तो लगभग खत्म ही कर दिया जी। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, 40-50 बोरी मटर निकलने लायक का आपका खेत बेच चुका है इस साल में। अच्छा जी जी, तो आप इस का कुछ सोल्यूशन निकालने का नहीं सोच रहे इसको? अब क्या करें जी, हम किसको बोले, सरकार और प्रशासन से बात तो की है, शायद वो तो बोल रहे हैं मतलब हम कुछ करेंगे। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा मतलब हुआ नहीं है, पिछले 2 सालों से देख रहे हैं कि हुआ कुछ नहीं है ना जी? हुआ कुछ नहीं जी, खुला करना चाहिए जी। यहाँ पर मतलब इस साइड खेतों में थोड़ा खेतों के नीचे अगर थोड़ा क्रेट बांध लगाए तो आप ये खेत सेफ हो जाएगा, और पीछे से कटिंग करेंगे तो मतलब सबके लिए बेहतर रहेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सही बात, सही बात, सही बात है जी। नहीं तो इस तरह तो सारा खेत जो है वो खत्म हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, प्रशासन वाले आए थे आप लोगों के यहाँ पर? अभी नहीं आए जी। अच्छा, इस साल आए नहीं कोई भी? नहीं आए जी। अच्छा जी, आप लोगों ने बुलाया नहीं उनको कि इतला नहीं किया? अभी बोल तो रहे थे जी, पिछले कल शायद बात हुआ जी, फिर बोल रहे थे आज आना बोल के। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चलो ठीक है जी। चलो मेरा भी अगर ये वीडियो प्रशासन तक पहुँचता है तो मैं भी उनसे गुजारिश करूंगा कि यहाँ पर इनके हालातों को कुछ ठीक करें। कि आप देख सकते हैं लगातार दरिया का फ्लो जो है वो इसी साइड को है, इस तरह तो ये साल 1.5 साल में तो ये पूरे के पूरे खेत ख़त्म हो सकते हैं। अभी देख सकते हैं, अभी भाई साहब बोल रहे हैं कि कम से कम मटर से लगा हुआ कम से कम 40-50 बोरी मटर निकलना था तो उतना पोर्शन गिर चुका है, और सारा मिला के वो करेंगे तो यहाँ पर कम से कम ही नहीं भाई साहब का 15 बीघा से ऊपर ही नहीं भाई साहब का खेत गिर गया बोल रहे हैं। तो चलिए मैं आगे भी जाता हूँ, आप लोगों को थोड़ा आगे भी दिखाता हूँ। नमस्ते जी, नमस्ते आंटी जी, मटर तोड़न कर रहे हैं जी? आपका भी काफ़ी नुकसान हुआ ना जी? चलो जी, कुदरत के साथ क्या कर सकते हैं, इनका भी इन आंटी उनका भी कम से कम बोलते हैं 4-5 बीघा खेत ख़त्म हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, पानी पड़ने के बाद इस खेत में भी जो मटर के पौधे थे, मटर प्याज जो भी था वो सारा लंबा लीट चुका है। अभी तो आज थोड़ा पानी कम हुआ है तो ज़्यादा खेतों में नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं मेरे पाँव को पूरा नीचे धस रहा है, ताज़ा ताज़ा सा यहाँ से पानी खा लिया हुआ है। और ये देखिए यहाँ भी कम से कम 4-5 मीटर का पोर्शन खेत जो वो दे चुका है, गिर चुका है। देखिए ये आलू की खेती थी, आप देख सकते हैं ये आलू अभी भी दिख रहा है यहाँ पर निकले हुए। देखिए पूरा दरिया जो है वो इस साइड को आ रहा है, ये देख सकते हैं।
ये देखिए, आप देख सकते हैं ये लोग पानी के बीच में से, ये लोग पानी के बीच में से मटर को निकाल के साइड कर कर के वो कर रहे हैं। ये देख, आप देख सकते हैं आधा खेत पानी पानी भरा हुआ है। और मटर देखिए, मटर काफ़ी लंबा पड़ चुका है। और मैडम वहाँ पर मटर को पानी से धो धो के साइड करके निकाल के तोड़ान कर रहे हैं। ऐसा हालात है। और प्रशासन, मैं प्रशासन को बोलता हूँ, प्रशासन यहाँ सोया हुआ है कि पता नहीं क्या है। दो दो एक गांव जो है यहाँ विस्थापन के कगार पे है, एक ये जसद गांव और एक लिंडू गांव, दो गांव जो विस्थापन के कगार पे है। लेकिन यहाँ पर इनका सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। अगर ये वीडियो प्रशासन तक पहुँचता है तो मेरा भी पर्सनली उनसे रिक्वेस्ट है कि इनके लिए कुछ सोल्यूशन निकाला जाए। ये देखिए, पानी में घुटनों तक पानी में बैठ के, तो मैडम देख सकते हैं आप, घुटनों तक पानी में बैठ के मटर को, मटर के अपने मटर को फसल को बचा रहे हैं, जिसमें इन्होंने पूरे साल भर का मेहनत किया है। यहाँ देखिए, पानी से लाया हुआ मटर कितने कितने अच्छे, कितने अच्छे ये देख सकते हैं। फली देखिए, कम से कम पूरा 4 इंच का फली जो है वो फली वाले मटर यहाँ पर पानी से लाया हुआ सड़ रहा है। मैं भी यहाँ से जाके, ओ माय गॉड, देख सकते हैं कि घुटनों से ऊपर ऊपर पानी, ओ माय गुडनेस, ओ बाप रे। ये देखिए, ये देखिए, और ये मैडम देखिए, घुटनों तक में पानी है। और अपने साल के मेहनत को बचाने के लिए पानी के बीच में से मटर को निकाल रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये भाई साहब, देखो पानी के बीच से मटर को रेडी में डाल के ला रहे हैं और वो इन भाई साहब लोगों को तोड़ने के लिए दे रहे हैं। और ये लोग देखे कितने मेहनत से तोड़ रहे हैं, तोड़े हुए क्यों ना, एक साल भर का मेहनत है। और तोड़ने के बाद ये देखे सामने तरपाल में सुखा के बेचने के लायक कर रहे हैं और अपने साल के मेहनत को कामयाब कर रहे हैं। और मेरा अपने सभी दर्शकों से निवेदन है कि इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें कि ये वीडियो जो वो शासन प्रशासन और सरकार के कानों तक पहुँचे और आँखों तक जाए, ताकि इनके बारे में भी कुछ सोचा जाए और इनके कुछ स्थिति को सुधारने के लिए कुछ प्रयास किया जाए। और यहीं पर मैं अपने वीडियो का एंड करूंगा। वीडियो कुछ बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसको दो भागों में बना रहा हूं। एक भाग ये है और एक भाग मैं कल आप लोगों के लिए पोस्ट करूँगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम लोग भी अपना सहयोग दे सकें इन लोगों को। फिर मिलेंगे कल।